हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। सबसे पहले कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कल हमने किया था कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो किसने दिए थे, FW Taylor ने दिए थे। आज हम करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम करेंगे कल डिफरेंस, कल करेंगे इसके। आज सिर्फ मीनिंग देखते हैं इसका कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसने दिए, FW Taylor ने दिए थे। जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्योल ने दिए थे, ऐसे ही जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो किसने दिए हैं, FW Taylor ने दिए। अब आपको ये जान के मतलब बड़ी हैरानी होगी कि जो FW Taylor है वो स्टार्टिंग में एक कंपनी के अंदर सिर्फ एक वर्कर थे, ठीक है, और अपनी मेहनत से बहुत कम टाइम में ये मतलब मैनेजर बन गए थे, ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी में छोटे से मतलब वर्कर से लगे और बहुत बड़े मैनेजर बन गए अपनी मेहनत से और लगन से, ठीक है। तो उन्होंने जो वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, ठीक है, और देखा कि वो जो वर्कर्स हैं वो पूरा एफिशिएंटली काम करते नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाई और उनके कुछ प्रिंसिपल और टेक्निक्स दिए जिनसे क्या हो सकता है कि आप अपनी कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा सकते हो चीपर वे से, ठीक है, मतलब मिनिमम कोस्ट से मैक्सिमम प्रोडक्शन बोल सकते हैं हम इसको। ओके, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये क्या है, इट इज़ रेफर दैट द मैनेजमेंट विच थिंग्स दैट बाय द साइंटिफिकली एनालिसिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। मतलब किसी भी काम को करने का ये वन बेस्ट वे निकाल के लिए कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट कि किस तरीके से हम इसको ज़्यादा अच्छे से अच्छे कर सकते हैं किसी भी काम को, ठीक है। ओके, और ये इसमें मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है इसमें सब कुछ साइंटिफिकली होता है, मतलब ऐसे नहीं तीर तुक्के से कुछ भी नहीं होता है, मतलब साइंटिफिकली होता है सब काम। ओके, अब आता है इसके फीचर्स क्या क्या हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है। इसके फीचर्स हैं सबसे पहला कि सिस्टमेटिक अप्रोच है। अगर साइंटिफिकली काम होता है तो सिस्टमेटिक अप्रोच तो अपने आप हो गया कि हर काम को एक सिस्टम से किया जाता है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर काम को एक सिस्टम से किया जाएगा। सेकेंड है आपका ब्रिंग कम्प्लीट मेंटल चेंज। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है इन प्रिंसिपल्स के अंदर कि ये जो मतलब जो पर्सन वहाँ पे काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, मैनेजर है या वर्कर्स है, कोई भी मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल, दोनों का क्या कर देता है, मेंटल चेंज कर देता है। ओके, थर्ड आता है डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ये जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है इसका डिस्कार्ड विरोध करता है कि ये उसको नहीं मानता कि पुरानी परंपराओं को मानो, ऐसा नहीं, ये हमेशा नई टेक्निक्स को ज़्यादा फॉलो करने पे जोर देता है, ठीक है। फोर्थ है रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल्स। ये कहता है कि जो रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, जितने भी रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो हो। फिर है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है, उनके काम करने की जो क्षमता है, जो एफिशिएंसी है, उसको इम्प्रूव करो दिन, ठीक है। अगर आप उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करोगे तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ओके, अब आते हैं इनके प्रिंसिपल्स। जो FW ने प्रिंसिपल दिए हैं वो फोर प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है साइंस नोट रूल ऑफ थंब, मतलब एज ए साइंस तो लो किसी भी काम को मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जा पा करते हो, लेकिन नोट रूल ऑफ थंब, ठीक है। नोट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि आप नए जो तरीके हैं उनको फॉलो करो, ऐसा नहीं कि पुराने ट्रेडिशनल वे लेके आ रहे हो, नो, ठीक है। तो आप क्या करो, टाइम के अकॉर्डिंग आप उनको चेंज करो, ठीक है। सेकंड है हारमोनी नोट डिस्कार्ड, ठीक है। हारमोनी नोट डिस्कार्ड का मतलब क्या है कि आप किसी भी काम को जब करो तो मतलब फ्रेंडली करो, मतलब लोगों के साथ अच्छे से, डिस्कॉर्ड, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करते टाइम आप फ्रेंडली काम करो, जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करके काम करो, ऐसा नहीं कि आप आपस में आपके जो कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्ड चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, फिर आता है फोर्थ कॉरपोरेशन नोट इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब आप जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हो तो आप इंडिविजुअलाइजेशन का मत सोचो, आप कॉरपोरेशन का सोचो, मतलब आपका काम सहयोग से होगा, कॉरपोरेशन से होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक फुटबॉल टीम है, वो आपस में अगर कॉरपोरेशन नहीं करती एक दूसरे का, और या उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा,
तो वो काम नहीं कर सकती। अगर एक पर्सन सोचे कि हाँ जी मैं गोल कर देता हूँ, तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक बाकी टीम मेंबर्स उसकी हेल्प ना करें। ठीक है, तो कॉरपोरेशन होना चाहिए ना कि इंडिविजुअलाइजेशन। ओके, फोर्थ है आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एवरी पर्सन टू हीज एंड हर ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रोस्पेरिटी। मतलब क्या होना चाहिए हर पर्सन का, हर वर्कर का, मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल सबका क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए हर पर्सन का। ठीक है, और अच्छे से अच्छे वे से ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करवाना है। ठीक है, थैंक यू।